ठीक है, मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जो लास्ट टाइम हमने किया था क्लास में. ठीक है, ठीक है। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन या जिसको मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी भी बोलते हैं वो स्टार्ट किया था हमने. तो बेसिकली जब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था कि मैंने दो तीन यहाँ पे केसेस लिए हैं जिसमें मीन सेम आ रहा है मेरा. ठीक है, मीन मेरा 40 40 40 ही आ रहा है, बट मेरा हम लोग बोलते हैं ना एवरेज इज यूज्ड, जो सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं या एवरेज मीन मीडियन मोड, हम इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि वो डेटा को रिप्रेजेंट कर पाए, एक सिंगल समरी वैल्यू जो हमारे डेटा के बारे में हमको बता पाए, इंफॉर्मेशन दे पाए. बट अभी इस केस में क्या हो रहा है कि तुम्हारा एवरेज जो है वो तो 40 40 40 आ रहा है, बट अगर आप डेटा को देखोगे ना एक्चुअल डेटा कैसा है, इसमें 40 40 40. तो ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कि ये मीन इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी डेटा, अच्छे से बता रहा है हमको डेटा के बारे में कि डेटा में कैसे डेटा पॉइंट्स हैं. ठीक है, अभी इसको देखो, इसमें आया सेकंड केस में 40. अभी मैं डेटा को देखती हूँ एक्चुअल डेटा को तो 45 36, तो मतलब ये भी सारी चीज 40 के आसपास ही है, बट इसमें कुछ कुछ वेरिएशन है, 45 तक जा रहा है, 36 तक भी आ रहा है, 35 भी है वैल्यू. ठीक है, चलो ये भी एक्सेप्टेबल है, हम यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं मीन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस केस में भी चला लेंगे हम लोग. ठीक है, अभी केस 3 देखते हैं. केस 3 में क्या हो रहा है कि मीन तो तुम्हारा 40 आ रहा है, बट तुम अब एक्चुअल डेटा को जाके देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं 40 के आसपास, तो 3 भी आ रही है वैल्यू, 7 भी आ रही है, 95 भी आ रही है, मतलब जो वेरिएशन है ना डेटा में वो बहुत ज्यादा है. 40 के आसपास तो एक भी वैल्यू नहीं है, 3 है और 95 है, मतलब इतने एक्सट्रीम स्कोर्स हैं. तो मीन तुम्हारा आ रहा है 40. अब मैं सिर्फ मीन को देख के डेटा के बारे में तो बता ही नहीं पा रही हूँ ना, मीन अच्छे से मेरे डेटा को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है. तो ऐसे केसेस में जब हमारे हमारे में बहुत ज्यादा वेरिएशन होते हैं, जैसे 3 मिनिमम है, 95 40 है, तो डेटा बहुत ज्यादा ऐसा ऐसा कहीं भी है डेटा, मतलब अगर मैं इसको प्लॉट करने जाऊंगी तो डेटा कहीं भी मिलेगा मुझे, ऐसे यहाँ यहाँ, तो डेटा पॉइंट्स में आपस में बहुत वेरिएशन है. तो मीन इन केसेस में हमारा एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है स्कोर के, मतलब डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, वेरिएशंस नहीं बता पा रहा है कि स्कोर्स में क्या वेरिएशंस हैं. ठीक है, तो उन सबको स्टडी करने के लिए हमने ये डेवलप किया है कि हमको वेरिएशंस जाननी है अभी हाँ स्कोर डेटा में कैसा वेरी कर रहा है हमारा डेटा. ठीक है, तो हमने ये एग्जाम्पल से समझा था, इसको मैं स्किप कर देती हूँ. फिर वेरिएशंस क्या होती हैं, द एवरेज कैन नॉट बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा, जो हमने समझा एग्जाम्पल से स्टार्टिंग वाले से, बिकॉज ऑफ वेरिएशंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन. क्योंकि डेटा पॉइंट्स ही कुछ 3 भी आ रहा है, 80 भी आ रहा है, 90 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो बहुत वेरिएशन है हमारे डेटा जो हमने कलेक्ट किया उसमें. ठीक है, तो डिस्पर्जन उसी को बोलते हैं. डिस्पर्जन एक्चुअली रेफर्स टू द वेरिएशंस दैट एग्जिस्ट विद इन एंड अमंग्स द ग्रुप्स. ठीक है, जो वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है उसी को डिस्पर्जन बोलते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स में. तो वही हमने पढ़ना है इसमें, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में, वेरिएशंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं. ठीक है, अभी ये एग्जांपल देखो, इसमें मेरा मीन ये है ना, बट इसमें जो मेरा डेटा है, एक ये सीरीज है, एक ये सीरीज 1 है, ये सीरीज 2 है, दोनों का मीन एक ही आ रहा है, बट डेटा कैसे स्प्रेड है बहुत अलग तरीके से है ना, ये डेटा ऐसे से है, ये डेटा अराउंड मीन ही है पूरा, तो स्प्रेड है जो हमारा डेटा का वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है एक ही मीन पे, जो हमने फर्स्ट केस से भी समझा था, एग्जांपल से भी समझा था. फिर सेकंड में देखो, मीन अलग अलग है, यहाँ पे मीन 1 है इस सीरीज का, इसका मीन 2 है, तो ये अलग अलग मीन है बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा ही है, कोई वेरिएशन उसमें सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है उनका आपस में वेरिएशन में, तो इक्वल वेरिएबिलिटी है बट अनइक्वल मीन्स है. इसमें क्या था, इक्वल मीन था, अनइक्वल वेरिएबिलिटी थी. वेरिएबिलिटी क्या है, वेरिएशंस इन डाटा अराउंड द मीन वैल्यू. ठीक है, मीन वैल्यू के आसपास वेरिएशन कैसा है डेटा का उसको वेरिएबिलिटी बोलते हैं. अभी मीन सेम है बट मीन अनइक्वल है, दो अलग मीन है बट इक्वल वेरिएबिलिटी है. फिर केस 3 देखते हैं, इक्वल वेरिएबिलिटी है, इक्वल वेरिएबिलिटी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेम है
मीन इक्वल है बट डिफरेंट शेप्स आ रही हैं हमारे पास डेटा से. मैं कर्व को प्लॉट किया तो डिफरेंट ही शेप्स आ रही हैं मेरे पास. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं. तो बेसिकली हमको ये स्टडी करना है कि अराउंड द मतलब मेजरली हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हमने ऐसे डिस्कस किया था कि चार मेथड्स पांच मेथड्स होते हैं उसको स्टडी करने के लिए कि वेरिएशन कैसा है डेटा में. ठीक है, तो वो हमने उसमें से दो मेथड्स करे थे, हमें बता देते हैं. अभी वेरिएबिलिटी को कैसे इंटरप्रेट करते हैं. वेरिएबिलिटी इज बेसिकली हाउ क्लोज और फार फ्रॉम द मीन आर द स्कोर्स. हाउ क्लोज और हाउ फार फ्रॉम द मीन आर द स्कोर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बोलते हैं वेरिएबिलिटी. ठीक है, अभी जितना ज्यादा मीन के पास होगा डेटा, मीन के पास होगा उतना वेरिएशन क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा वेरिएशन इन द डेटा. कम होगा। कम होगा ना, मतलब जितना वो मीन के पास है वैल्यू उतना मेरा वेरिएशन इन द डेटा कम है. सो बेसिकली क्वाइट मोस्ट क्वाइट क्लोज टू द मीन देन द डिस्ट्रीब्यूशन हैज लेस वेरिएबिलिटी. ठीक है, अगर दूर दूर है, स्प्रेड है ऐसे, ये मीन है सपोजिटली और ये ऐसे स्प्रेड स्प्रेड है बिल्कुल, तो हम बोल सकते हैं कि वेरिएशन बहुत ज्यादा है डेटा में. तो बेसिकली डिस्पर्शन टेल्स अस कि डेटा ऑर्गेनाइज्ड कैसे है, स्प्रेड कैसे है अराउंड द मीन. बहुत टाइटली पैक्ड है तो वेरिएशन कम है, बहुत स्प्रेड है दूर दूर है तो मतलब वेरिएशन ज्यादा है. ठीक है, इतना क्लियर हो गया? हाँ, एक बार फिर से प्लीज ये वाला। यहाँ से बताओ, देखो जितना ज्यादा क्लस्टर्ड होगा ये मीन, अगर सपोजिटली मैं मीन से के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अभी डिस्पर्शन डिफाइन कर रही हूँ, और भी तरीके हैं डिस्पर्शन को डिफाइन करने के लिए, बट अभी समझने के लिए मैं मीन के अराउंड समझाती हूँ. जैसे अभी मीन के अराउंड मेरी वैल्यू सपोजिटली मैंने अपना डेटा प्लॉट किया तो ये मीन वैल्यू है, तो मैंने अपना डेटा प्लॉट किया तो ऐसा आ रहा है कुछ डेटा. ठीक है, तो ये क्या मीन के आसपास ही है ना वैल्यू सारी. तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जब मेरे मीन से क्लोज है, क्वाइट क्लोज टू द मीन वैल्यू, तो मैं बोल सकती हूँ कि वेरिएबिलिटी कम है डेटा में, मतलब वेरिएशन कम है डेटा में. सारे पॉइंट्स सपोजिटली मीन 40 है तो सारे पॉइंट्स या तो 35 या तो 45 के बीच बीच में ही है. ये 35 मान लिया मैंने, ये 45 मान लिया, ये 40 मीन हो गया उसका. तो मैं बोल सकती हूँ कि अच्छा 35 से 45 में ही सारी वैल्यूज लाई कर रही होंगी अगर मीन के पास ही है तो. अराउंड द मीन है या क्लोज टू द मीन है मेरा डिस्पर्शन, डिस्पर्शन वैल्यू या क्लस्टर, तो मतलब उसमें वेरिएशन कम हो रही होगी. समझ आया? अगर आगे मीन प्लीज। सपोजिटली मेरा डेट दूर दूर है, मीन से दूर दूर है पॉइंट्स, तो मैं बोल सकती हूँ ना इसमें वेरिएशन ज्यादा है डेटा पॉइंट्स में. अगर मीन से आगे जितना चलो। दूर होगा मतलब उतना वेरिएशन है डेटा में, उतना ज्यादा वैल्यूज दूर दूर हो सकती हैं, स्प्रेड हो सकती हैं. ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि हाउ क्लोज और हाउ फार फ्रॉम द मीन आर द स्कोर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन, जो ये केस था यही चीज है ना. केस थ्री में तो कुछ भी आ रहा है तुम्हारा, मीन के तो आसपास कुछ है ही नहीं. 3 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 95 भी आ रहा है, 85 भी आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना ये डेटा जो हमने कलेक्ट किया उसमें काफी वेरिएशन है. कुछ भी वैल्यू आ रही है जो बीच में 3 और 7 के बीच में सपोजिटली, और ये 3 और 95, ये 7 और 85 के बीच में काफी डिफरेंसेस है, वेरी कर रहा है डेटा बहुत ज्यादा हमारा. ठीक है, बट ये देखोगे तो ये तो मीन के पास है सारी वैल्यूज, 45, 36, 35, 44, और इनका आपस में वेरिएशन देखोगे तो 9 या 10 रहेगा डिफरेंस. तो मतलब वेरिएशन इतनी ज्यादा नहीं है डेटा में, मीन के आसपास ही है सारी वैल्यूज, 40 के आसपास ही है ना सारी वैल्यूज. तो मतलब हम बोल सकते हैं कि डेटा में ज्यादा वेरिएशन नहीं है. समझ आए? क्लियर है। थैंक यू। गुड. ठीक है, तो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में हम क्या देखते हैं कि स्कोर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर अबाउट और क्लस्टर टुगेदर. तो हम स्प्रेड की बात करते हैं ऑफ द एंटायर सेट ऑफ स्कोर्स. ठीक है, कि डेटा मेरा स्प्रेड कैसे है, कैसे फैला हुआ है या कैसे वेरिएशन है उसमें, उसके बारे में ही बात करते हैं हम लोग. उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं हम लोग मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में. मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है. ठीक है, अभी हमको क्या नहीं बताया गया, ये दे डू नॉट स्पेसिफाई हाउ फार, मतलब मेरे से डिस्टेंस की बात नहीं करेगा. मैंने बोल दिया अच्छा मीन के पास है
मीन के दूर है या मीन के आसपास ही वैल्यूज क्लस्टर्ड हैं या मीन से दूर स्प्रेड है, वो मैं बता सकती हूँ क्वालिटेटिवली मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी से या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन से, बट मैं ये नहीं बता सकती कि कितना डिस्टेंस है. ठीक है, हाउ फार अ पर्टिकुलर स्कोर डाइवर्जेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्रुप, दैट आई कैन नॉट स्पेसिफाई विद द हेल्प ऑफ मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या वेरिएबिलिटी से या डिस्पर्शन से. ठीक है, नो डू मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, हमको ये भी नहीं पता लगेगा कि शेप कैसा है, जैसे हमने ये देखा अभी मेरे को नहीं पता लगेगा ना, इसमें मैंने वेरिएबिलिटी बता दिया बट मेरे को शेप तो पता ही नहीं है उसका, इक्वल वेरिएबिलिटी. ठीक है, यहाँ पे इक्वल वेरिएबिलिटी है बट शेप अलग अलग है, तो मैं शेप के बारे में कुछ नहीं बता सकती हूँ. तो ये लिमिटेशन है हमारी वेरिएबिलिटी की या डिस्पर्शन की, कि ना वो हमको स्कोर्स का डिस्टेंस बताने वाला है कैसे डाइवर्ज कर रहे हैं, ना वो हमको शेप बताने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन की. बस हमको इतना आइडिया देगा कि डेटा पॉइंट्स में वेरिएशन कितना है, कितना क्लोज है, कितने दूर है आपस में विद इन द ग्रुप सेट. ठीक है, फिर सेंट्रल टेंडेंसीज और डिस्पर्शन में क्या फर्क होता है. सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, समरी ऑफ स्कोर्स होता है, एक एक वैल्यू होती है जो स्कोर डेटा के बारे में हमको ब्रीफिंग देती है, समरी प्रोवाइड करती है. बट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम क्या ले रहे हैं, समरी ऑफ द स्प्रेड ऑफ स्कोर, कि हमारा जो स्कोर डेटा पॉइंट्स है वो कैसे स्प्रेड है, कितने क्लस्टर्ड हैं या टाइटली पैक्ड हैं या कितने दूर हैं या उनमें वेरिएशन कितना है आपस में. तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन टॉक्स अबाउट द स्प्रेड. ठीक है, एंड सेंट्रल टेंडेंसी टॉक्स अबाउट द समरी ऑफ स्कोर, जो हमने पढ़ा था मीन एंड मोड. ठीक है, ये फंक्शंस हैं, ये एक बार देख लेना, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, बेसिकली कंपैरिजन और आगे फर्दर कैलकुलेशंस में हमको काम आता है टेक कोरिलेशन और रिग्रेशन, इसीलिए हम लोग वेरिएबिलिटी देखते हैं. फिर कंपैरिजन में हमको हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हमको हेल्प करता है. ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ ठीक डिस्पर्जन क्या था. टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन में दो आते हैं, एक एब्सोल्यूट डिस्पर्जन आता है, एक रिलेटिव डिस्पर्जन आता है. अगर मेरे को ब्रीफ में बताना हो, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन इज जिसमें हमारे यूनिट्स होते हैं, जैसे सेंटीमीटर हो गया, केजी हो गया. ठीक है, ये यूनिट्स होते हैं, इसमें कैरी होते हैं, तो ये एब्सोल्यूट बोलते हैं इसको. रिलेटिव मेजर्स में क्या होता है, हम लोग रेशियोज लेते हैं. रेशियोज किसकी, ये एब्सोल्यूट डिस्पर्जन वाले को यूज करके हम लोग रेशियोज में डिफाइन करते हैं, इसीलिए इनको रिलेटिव बोला जाता है. तो इसमें क्या होगा, अगर मैं रेशियोज ले रही हूँ तो इसमें यूनिट्स नहीं होंगे, बस इतना ही डिफरेंस है. एप्लीकेशन में का कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, बट हम एब्सोल्यूट डिस्पर्जन से ही रिलेटिव डिस्पर्जन को डिफाइन करते हैं, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन से ही हाँ रिलेटिव मेजर्स को डिफाइन करते हैं. ठीक है, बेसिकली रेशोज होते हैं या एब्सोल्यूट डिस्पर्जन का, किसी के साथ रेशो ले लिया, कोई वैल्यू आया उसको मीडियन से डिवाइड कर दिया, मीन से डिवाइड कर दिया या एम से डिवाइड कर दिया, ये रेशो लेते हैं हम लोग मतलब रिलेटिव मेजर्स में. ठीक है, टाइप्स का डिटेल्स बता देती हूँ. मेजर्स ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में हमारा रेंज आता है, आगे उसके फर्दर टाइप्स हैं. रेंज आता है, क्वार्टाइल डेविएशन आता है, मीन डेविएशन आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, वेरियंस आता है. ठीक है, मेजर्स ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन में कुछ नहीं, इनके ही रेशियोज है ना, तो इनके आगे कोफिशियंट लग जाएगा, बस कोफिशियंट ऑफ रेंज, कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन डेविएशन, क्योंकि इन्हीं के रेशियोज हैं ये, इनके रेशियो से ही यूज करते हैं, तो बस आगे कोफिशियंट वर्ड लग जाएगा, वो सब पार्ट हो जाएंगे रिलेटिव डिस्पर्शन का. ठीक है, ओके अभी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था रेंज. रेंज क्या होता है, सिंपली हमारा जो डेटा दिया हुआ है उसका हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ये फॉर्मूला है. जो भी उसमें हाईएस्ट वैल्यू है उसको पकड़ो, उसको माइनस कर दो लोएस्ट वैल्यू से. ठीक है, तो बेसिकली मुझे पता लग जाएगा डेटा में वेरिएशन क्या है, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट वैल्यू होगी, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू होगी, तो इन दोनों का जो माइनस होगा वो मुझे बताएगा, अच्छा यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा होगा डेटा, सपोजली ये 4 है, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए ये 10 है, तो मैं बोल सकती हूँ कि 10 माइनस 4 मतलब 6 के उसमें ही हमारा डेटा लाई कर रहा होगा. तो ठीक है, ये सबसे मतलब ज्यादा यूज नहीं किया जाता ये, क्योंकि ये कुछ भी नहीं बता रहा हमको, सिर्फ दो वैल्यू का डिफरेंस बता रहा है, तो इसका ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन है. ठीक है,
बस एक रेंज बता देता है हमको डेटा कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहा होगा। ठीक है, इसको ज्यादातर हम लोग मतलब अगर मेरे को एप्लीकेशन बताना हो तो हम लोग जैसे वेदर फोरकास्ट टेम्परेचर फोरकास्ट नहीं आते अपने मोबाइल पे कि हाँ लोवेस्ट कल का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रहा या हाईएस्ट टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस रहा थ्रू आउट द डे, तो इन दोनों का डेल्टा निकाल दिया 25 माइनस 10 तो मतलब 15 डिग्री सेल्सियस का रेंज रहा, तो डे 1 पे इतना था डे 2 पे इतना था, तो बेसिकली एक आइडिया बताता है कि हाँ डे 3 पे इतना था कि Δt1 Δt2 Δt3 कि हाँ लोएस्ट टेम्परेचर्स और हाईएस्ट टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहे हैं डेज में। ठीक है, तो एक रेंज से हम आइडिया लगा सकते हैं अच्छा कि डे 3 का लोएस्ट टेम्परेचर डे 1 से भी कम गया है या डे 2 का हाईएस्ट टेम्परेचर वो डे 1 से भी ज्यादा गया है। तो बेसिकली ऐसे जगहों पे हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे हमको सिर्फ लोएस्ट या हाईएस्ट वैल्यू से ही मतलब होता है। तो रेंज का इतना ज्यादा एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक्स या रिसर्च में नहीं है जितना हम लोग बाकी सब जगहों पे यूज करते हैं। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला कुछ नहीं, बस हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, ओके ऑल क्लियर। अभी रेंज क्या है, सेंसिटिव है टू सैम्पलिंग। सेंसिटिव टू सैम्पलिंग एज इन कि मेरा मेरा कुछ भी गलती कर दिया सैम्पलिंग में तो मेरा हाईएस्ट वैल्यू चेंज हो सकता है ना, लोएस्ट वैल्यू भी चेंज हो सकता है, तो ड्यू टू सैम्पलिंग एरर्स मेरा रेंज चेंज हो सकता है क्योंकि ये दो वैल्यू पे डिपेंडेंट है और ये दो वैल्यू ही गलत हो गई ड्यू टू सैम्पलिंग या ड्यू टू एनी रीजन तो मेरा तो रेंज गलत हो जाएगा। तो ये लिमिटेशन क्या है रेंज की, इट इज सेंसिटिव टू सैम्पलिंग चेंज इन सैम्पलिंग प्लस दिस इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टू स्कोर्स हाईएस्ट और लोएस्ट पे। ठीक है, तो दिस इज ओके नॉट रियली अ गुड। अभी ना थोड़ा थोड़ा है ना आपकी वॉइस ब्रेक कर रही। अभी कैसा है, अभी बेटर है, अभी क्लियर है। हाँ अभी मुझे बोल देना इन केस दोबारा क्रैक किया तो। ठीक है, फिर हमने सेकंड मेथड पढ़ा था, ये तो हो गया रेंज। फिर हमने पढ़ा था क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन में क्या होता है, बेसिकली हमने क्या बोला कि रेंज में हमने सिर्फ दो स्कोर्स पे डिपेंडेंट रहे हम, लो और हाई पे। ठीक है, अभी यहाँ पे तो सैम्पलिंग एरर्स भी हो सकते हैं या आउटलायर्स भी हो सकते हैं। आउटलायर्स क्या होते हैं, स्क्रीम एक्सट्रीम वैल्यूज, तो मेरा तो सब अच्छा मेजर नहीं होगा वो। तो वो बोलता है कि क्वार्टाइल डेविएशन बोलता है कि अच्छा मैं छोड़ देता हूँ एक लोअर वैल्यूज को और हायर हायर वैल्यूज, जो हाईएस्ट वैल्यूज हो तो उनको छोड़ देता हूँ और बीच के वाले पार्ट में देखता हूँ कि मेरा कैसे वेरिएशन है। तो बीच वाले वो ऐसा है कि बीच में ही हमारा मेजोरिटी ऑफ द डेटा लाई कर रहा होगा, तो मैं एक्सट्रीम वैल्यूज को छोड़ के बीच वाले डेटा में देख लेता हूँ वेरिएशन कैसा है। ठीक है, तो अभी क्वार्टाइल क्या होता है पहले वो समझते हैं, फिर हम क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं। क्वार्टाइल में क्या होता है, क्वार्टाइल हैज कम फ्रॉम द वर्ड क्वार्टर्स। ठीक है, क्वार्टर्स क्या होते हैं, कोई भी चीज को हम जब चार हिस्सों में बांटते हैं जैसे साल में हम बोलते हैं ना क्वार्टरली, तो बेसिकली फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं किसी भी चीज को उसको बोलते हैं क्वार्टर्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारा जो भी डेटा है उसको चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीन कट पॉइंट्स लगाए, 1 2 3, ये लोएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो मैंने तीन कट्स लगाए तो मेरा डेटा डिवाइड हो गया चार हिस्सों में, ये सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये क्वार्टर्स बन गए मेरे डेटा के जिसको हमने नाम दे दिया Q1 Q2 और Q3। ठीक है, ये हो गए क्वार्टाइल्स Q1 Q2 Q3। अभी क्या होगा, Q1 के नीचे मेरा 25% ऑफ द डेटा लाई कर रहा होगा। ठीक है, Q2 के नीचे क्या लाई करा होगा, 50% ऑफ द डेटा, एंड Q3 के नीचे लाई करा होगा मेरा 75% डेटा और बाकी का बचा 25% यहाँ आपकी वॉइस ब्रेक कर रही पे। फिर से ब्रेक कर रही है क्या, रुको। मेरी वॉइस ब्रेक कर रही थी। ओके, लेट मी जस्ट चेक माय वाईफाई, अभी सही है क्या। हेलो, नहीं अभी टूट रहा है, एक सेकंड। अब आई क्लियर। एनीवेज, तो हमने क्या किया, क्वार्टाइल डेविएशन में चार हिस्सों में बांट दिया और जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनको इग्नोर कर दिया क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि बीच में ही मेजोरिटी ऑफ द डेटा लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो Q1 Q2 Q3 समझ आ गया।
क्या होता है इसमें 25% डेटा यहाँ लाइक करोगा, Q2 से नीचे 50% लाइक कर रहा होगा एंड Q3 से नीचे मेरा 75% डेटा लाइक कर रहा होगा, ये वाला पार्ट। तो मैंने ये मान लिया कि बीच में ही है मेजोरिटी ऑफ द डेटा, तो इससे हम लोग वेरिएशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्वार्टर्स डिफाइन कर दिए Q1 Q2 Q3। अभी मेरे को रेंज डिफाइन करनी है, क्वार्टाइल रेंज। तो क्वार्टाइल रेंज क्या हो जाएगा, रेंज जब भी वर्ड आ गया तो मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो इसमें हाईएस्ट क्वार्टर कौन सा है, Q3, ठीक है, लोएस्ट क्वार्टर कौन सा है, Q1। तो उन दोनों को माइनस कर दो, ये आ जाएगा क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, अभी सेमल हमने डिफाइन करना है क्वार्टाइल डेविएशन, तो वो कुछ नहीं होता, Q3 - Q1/2 हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये हमने एक मेथड पढ़ा था। कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, कुछ नहीं, Q3 - Q1 ऊपर रहेगा और Q3 + Q1 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये फॉर्मूला होता है कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का। ठीक है, क्लियर है अलीना? क्लियर तो ये फॉर्मूला हमने यूज करना सीखा था लास्ट क्लास में। तो अगर डेटा पॉइंट्स इंडिविजुअल सीरीज है तो फॉर्मूला ये रहता है, ठीक है, N+1/4 × 3 आइटम। तो आइटम रहेगा, ये वैल्यू नहीं देगा हमको, ये बताएगा कि कौन सी आइटम है जिस जो वैल्यू हमारी कंसिडर होगी। तो हमने एग्जाम्पल किया था ये, इसको सॉल्व करते हुए दो एग्जाम्पल्स किए थे, ये वाला ठीक है और एक ये वाला। बस ये फॉर्मूला याद रखना है हमको कि ये आएगा, Q3 का फॉर्मूला ये होता है और Q1 का फॉर्मूला ये होता है, और ये आइटम के बारे में बताता है हमको, वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, तो अगर सपोजिटली मैं अगर ये वाला एग्जांपल ले लूँ एक्सप्लेन करने के लिए, तो सबसे पहले तो डेटा को अरेंज करना रहता है। स्टेप 1 इज अरेंजमेंट ऑफ डेटा। अभी तुम उसको असेंडिंग ऑर्डर में करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, वो चॉइस है। ठीक है, आई प्रेफर डूइंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर, हमारी बुक में शायद डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है। तो ये डेटा अभी ऑलरेडी अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अब मैंने स्टेप 1 तो अरेंज कर लिया डेटा, अब स्टेप 2 फॉर्मूला लगाऊं। फॉर्मूला क्या है, Q1 का फॉर्मूला क्या है, N+1/4th आइटम। तो N क्या है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11+1/4 मतलब 12/4 थर्ड। तो थर्ड आइटम मेरे को जाके लेनी है, तो थर्ड आइटम क्या होगी यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 29 मेरा क्या हो जाएगा, Q1। ठीक है, तो आइटम बताता है हमको, ये वैल्यू नहीं बताता है। ये बोलता है कि Q1 क्या है, Q1 वो है जो थर्ड आइटम पे या थर्ड प्लेस पे है, जो कि वो ये है। तो ऐसे मैंने Q1 फाइंड कर लिया, वैसे मेरा Q3 आ जाएगा फॉर्मूला में डाल के, वैल्यू आ जाएगी Q3 की, और फिर मैं वो वाला फॉर्मूला लगा दूंगी Q3 - Q1/2। इससे मेरा आ जाएगा इंटरक्वार्टाइल डेविएशन या क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, मैं ये ओके डिटेल में नहीं करा रही क्योंकि लास्ट क्लास में कराया था, बट मैं ये बता रही हूँ कि कैसे यूज करना है इस फॉर्मूला को। ठीक है, ओके कोई क्लियर है डाउट इसमें होगा थोड़ा। तो मुझे बोल देना। वैसे ही हमने एक और एग्जांपल किया था जिसमें हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। फिर हमने कंटिन्यूअस सीरीज के लिए QD डिफाइन किया था, तो उसमें फॉर्मूला चेंज हो जाता है। Q1 क्या होता है, N/4th आइटम। Q3 क्या होता है, × 3 कर दो बस इसको। ठीक है, अभी एग्जैक्ट वैल्यू के लिए ये क्लास कंटिन्यूअस सीरीज में इंटरवल्स रहता है ना, तो मेरे को एक रेंज पता लग, एक क्लास इस वाले Q1 कहाँ लाई कर रहा है उसका इंटरवल पता लग जाएगा, बट एग्जैक्ट वैल्यू Q1 की कहाँ से पता लगेगी, यहाँ से। ठीक है, इसमें L1 क्या है, L1 इज लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास इंटरवल। ठीक है, N तो पता है टोटल है, CF होता है, CF जो इंटरवल आए, जैसे ये है, अगर सपोजिटली मेरा Q1 फॉर्मूला मैंने लगाया, N/4th आइटम का फॉर्मूला लगाया, वो आया इस रेंज में, इस वाले इंटरवल में, इस वाले क्लास इंटरवल में, तो L1 हो जाएगा ये, CF हो जाएगा इस इंटरवल के पहले वाला इंटरवल जो है उसका CF, जो कि ये होगा। अभी असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो CF ये वाला यहाँ पे होगा उसके ऊपर, बट अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो CF नीचे लाई कर रहा होगा। बेसिकली याद ये रखना है कि CF वो होता है जो उस इंटरवल से पहले वाले इंटरवल का वैल्यू होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला में
सीएफ इज प्रिसीडिंग इंटरवल का सी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, वो लगाना है यहाँ पे, और एफ मतलब जो तुमने इंटरवल निकाला है जिसमें क्यू वन या क्यू थ्री लाइक कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल, मतलब ठीक है इतना तो क्लियर है ना। और क्यू थ्री के लिए यहाँ पे फॉर्मूला में बस ये थ्री ऐड हो जाता है, इतना ही चेंज आता है फॉर्मूला में, क्लियर है एलिना? क्लियर है, क्लियर थोड़ा एग्जांपल करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, हमने किया था सॉल्व लास्ट क्लास में, कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। नहीं मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दूंगी आपके व्हाट्सएप पर, आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये तो हो गया हमने, चलो हमने रेंज की बात कर ली, हमने क्यूडी की बात कर ली, ये हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं ठीक है। अभी हम लोगों ने इसमें सिर्फ हमारा दो वैल्यूज पे ही डिपेंडेंट था मेरा पूरा, जो भी मैं डिस्पर्शन या वेरिएबिलिटी निकालने की कोशिश कर रही हूँ दो वैल्यूज पे डिपेंडेंट है, ये क्यू थ्री और क्यू वन वाली वैल्यू पे डिपेंडेंट है, ये लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू पे डिपेंडेंट है। तो ये बहुत अच्छे मेजर्स नहीं है जो हमको बताएंगे वेरिएशंस के बारे में डेटा के लिए, तो हमको और मेथड्स चाहिए जिससे हम लोग वेरिएशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने बोला कि चलो हमारे पास मीन, मीडियन, मोड ये सब पढ़ रखा है हमने, तो इनसे कुछ और करने की कोशिश करते हैं। तो फिर हमने बोला कि अच्छा मीडियन मोड को कैसे यूज करते हैं मैं बता देती हूँ, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ आगे के लिए। तो मीन को यूज कैसे कर सकते हैं, मीन एक ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी है जो सारे डेटा पॉइंट्स को काउंट करके चलता है ठीक है, क्योंकि समेशन होता है ना, ये तो समेशन ऑफ एक्स होता है डिवाइड बाई एन ये होता है ना, तो ये सारे डेटा पॉइंट्स को काउंट करके चल रहा है। तो मैं मीन को यूज करके आगे कुछ कैलकुलेशन करने की कोशिश कर सकती हूँ, वेरिएशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकती हूँ ठीक है। तो मेरे पास सपोजिटली ये एक्स है, यहाँ पे डेटा पॉइंट्स लाई कर रहे हैं सपोज 3, 5, 4, 5 ठीक है 6, यहाँ पे ऐसे मेरे पास डेटा है। तो मैंने बोला कि चलो मेरे को इसका मीन तो कैलकुलेट करना ही आता है, मैं मीन कैलकुलेट कर लेती हूँ, ये आ गया मीन। तो इससे आगे कुछ देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि चलो मीन को ना माइनस कर देते हैं सबसे, तो x माइनस मीन कर देते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ गई, कुछ पॉजिटिव में आएंगी कुछ नेगेटिव में आएंगी ठीक है। तो ये टर्म इसको हम लोग डेविएशन बोलते हैं, थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे ठीक है। तो ये क्या है, सारे डेटा पॉइंट्स को काउंट करके चल रही है, सबसे देख रहा है कि अच्छा ये डेटा लाई कर रहा है ऐसे, यहाँ पे कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मीन लाई कर रहा होगा म्यू या सिग्मा जो भी एक्स बार जो भी बोलेंगे ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं डेटा कैसे वेरी कर रहा है, डेटा कितना कितना दूर है बाकी डेटा पॉइंट से ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, चलो मैंने ये तो देख लिया कि मीन वैल्यू से कितना कितना दूर है डेटा पॉइंट्स, बट अभी मैं इनको समेशन करूंगी, कुछ भी कैलकुलेशन करूंगी सपोज इट में मैंने ऐसा करा। तो हमने पढ़ा था जब हमने सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ा था कि मीन से जब हम डिफरेंस लेते हैं डेटा पॉइंट्स का, उसका समेशन हमको क्या देता है, जीरो देता है, मतलब पॉजिटिव जितना होता है उतना ही नेगेटिव होता है, तो उनका समेशन हमेशा कैंसिल हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये तो प्रॉब्लम है हमारे लिए, तो इससे तो हम कुछ कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे, हमने फाइंड आउट तो कर लिया एक्स माइनस एक्स मान, अभी मैं करूँ क्या इसके साथ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो और मेथड्स डिफाइन मतलब और आए कि चलो ठीक है अब इसको और कैसे यूज कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने बोला कि चलो क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, नेगेटिव प्रॉब्लम कर रहा है तो साइन को छोड़ देते हैं फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको मोड कर वो कर दिया ठीक है, मोड कर दिया। मोड क्या करता है कि साइंस को इग्नोर कर देता है, इससे बाहर कुछ भी आएगा, मॉड्यूलस सॉरी मॉड्यूलस से बाहर कुछ भी आएगा तो पॉजिटिव ही होगा, तो मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू भी डालूं तो भी पॉजिटिव ही है। तो वो बोल रहा है कि साइंस को ड्रॉप कर दो, जो वैल्यू आ रही है उसी को लेके चलो और उससे कैलकुलेशन करो। तो ये हो जाएगा साइंस को इग्नोर कर दो, एक सॉल्यूशन वो था उनके पास कि मेथड वन है, एक सॉल्यूशन ये है कि साइंस को इग्नोर कर दो और उससे आगे कैलकुलेशन करो। तो वो हम लोग यूज करते हैं मीन डेविएशन में ठीक है। मीन डेविएशन में क्या करा हमने, सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा था इसको, कि इसका समेशन मेरे को जीरो वैल्यू देता है, तो इसके लिए मैंने सॉल्यूशन ढूंढा कि सॉल्यूशन वन क्या डिफाइन किया मैंने कि साइंस को इग्नोर कर दो, इग्नोर साइंस
तो वो मैं कहाँ कैसे पढ़ती हूँ, उसको पढ़ती हूँ मैं मीन डेविएशन में। और क्या तरीका है कि अच्छा साइंस को नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव बनाने का मेरे पास एक और सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन टू क्या है कि जो वैल्यूज आ रही है नेगेटिव पॉजिटिव उसका स्क्वायर कर लो। अब मैं किसी भी चीज का स्क्वायर करूंगी चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो अंदर या नेगेटिव वैल्यू हो, वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगी। तो उन्होंने सॉल्यूशन टू फाइंड आउट किया कि चलो उनको स्क्वायर कर देते हैं तो जो भी आएगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये चीज हम यूज करते हैं वेरिएंस में। ठीक है, अभी हम इसको मीन डेविएशन को वेरिएंस को आगे अच्छे और डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं एक ब्रीफिंग दे रही हूँ ताकि चीजें याद रख पाए हम लोग। ये टेक्निकली मे बी नॉट टेक्निकली एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, बट एक फ्लो में बता रही हूँ कि हमको ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ती है। कि चलो ठीक है हमने वेरियंस भी डिफाइन कर लिया, स्क्वायर्स कर दिए, आगे वेरियंस भी डिफाइन कर लिया, अभी वेरियंस में भी आगे इश्यूज आने लग गए उनको। क्यों? क्योंकि हमने स्क्वायर्स कर रखा है। अभी सपोजिटली ये डिफरेंस आ रहा है 55, ऊपर से तुम उसका स्क्वायर कर रहे हो तो और बड़ी वैल्यू हो गई। तो इतनी बड़ी वैल्यूज के लिए हम कैलकुलेशन और मुश्किल हो गए हमारे लिए, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आने लग गई। ठीक है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम होने लग गया। फिर हमने बोला कि चलो सेंटीमीटर में चीजें निकल रही थी, केजी में यूनिट्स का प्रॉब्लम आने लग गया। डेटा निकल रहा है सेंटीमीटर केजी में और वेरिएंस हमको बता रहा है यूनिट्स क्या, केजी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम होने लग गया था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है अभी पॉजिटिव वैल्यूज तो आ गई हैं स्क्वायर्स करके, इसका वापस अंडर रूट ले लो जो भी वैल्यू आ रही है। तो वो हम लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो ये हमने तीन आगे और मेथड पढ़ने हैं जो विद रिस्पेक्ट टू मीन डिफाइंड है, मीन डेविएशन। कुछ समझ आया है नहीं ना? फिर हमने पढ़ना है स्टैंडर्ड। आवाज नहीं आ रही लेना। हेलो हेलो, ओके, आपकी वॉइस नहीं आ रही है तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो हमने आगे और मीन के, ओके ओके थैंक यू, समझ आ गया। तो मीन के, मीन को यूज करके अगर मेरे को डिस्पर्शन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैंने आगे और अपने मेथड्स डिटेल में, और क्या है, एक मीन डेविएशन है, एक वेरिएंस है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे इन डिटेल सबको। ठीक है, पहले समझते हैं कि डेविएशन क्या होता है। डेविएशन कुछ नहीं, डेविएशन टर्म स्टैटिस्टिक्स में ऐसे डिफाइन करते हैं कि हर एक नंबर इन द सीरीज उसको माइनस कर दो एवरेज। एवरेज कुछ भी हो सकता है, मीन मीडियन मोड मीडियन कुछ भी हो सकता है। तो डेविएशन इज बेसिकली बस ये बोल रहा है कि हर एक स्कोर को एवरेज वैल्यू से माइनस करो तो उसको हम लोग डेविएशन बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वन नंबर इन अ सीरीज एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द नंबर्स इन द सीरीज। ठीक है, ये होता है डेविएशन। ये टर्म का मतलब ये है कि दोनों हर एक नंबर को एवरेज वैल्यू से माइनस कर दो। ठीक है, अब एवरेज वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है। ठीक है, तो मोड हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते हैं एवरेज डेविएशंस को डिफाइन करने के लिए, हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं मीन या मीडियन को। तो हमारी बुक में सिर्फ मीन डेविएशंस के बारे में बात की गई है, मीन मीडियन डेविएशंस की बात नहीं की गई है। तो मीडियन डेविएशंस मैं नहीं शेयर डिस्कस करूंगी क्योंकि अभी थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ेगा। बट अगर किसी को जानना है कि मीडियन डेविएशंस क्या होता है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं तो पर्सनली मैसेज कर देना, हम लोग फोकस करेंगे मीन डेविएशंस पे ज्यादा। ठीक है, डेविएशंस में क्या करते हैं हम लोग, साइंस इग्नोर करते हैं। कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग तो उसमें हम साइंस को इग्नोर करते हैं, हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते हैं, उनको इग्नोर करके सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, अभी एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन बोल लो, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हमारे पास एज ऑलवेज दो तरह के डेटा होते हैं, एक अनग्रुप डेटा होता है, ग्रुप डेटा होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मीन डेविएशन अनग्रुप डेटा में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला समझते हैं और अनग्रुप के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो सपोजिटली मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, इसमें मेरे पास वैल्यूज पड़ी हैं, इंडिविजुअल स्कोर्स पड़े हुए हैं। ठीक है,
अभी मेरे को इसका कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन. मीन डेविएशन क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसका फॉर्मूला कैसे होता है. ठीक है, तो स्टेप वन क्या होता है, स्टेप वन अरेंज कर लो डेटा मैप को, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, स्टेप टू क्या होगा, कैलकुलेट मीन. मीन तो हमको बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना आता है. ठीक है, अभी फॉर्मूला स्टेप थ्री इस फॉर्मूला लगा दो. अभी फॉर्मूला होता क्या है मीन डेविएशन का, मीन डेविएशन का फॉर्मूला इन अनग्रुप डेटा इज दिस, एक्स माइनस एक्स बार, मतलब जो स्कोर्स हैं एक एक डेटा पॉइंट को, इंडिविजुअल पॉइंट को माइनस कर दो मीन वैल्यू से, उसका समेशन ले लो और डिवाइड बाय एन कर दो, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स. ये हो जाता है मीन डेविएशन का फॉर्मूला. ठीक है, अभी इसको अप्लाई करते हैं, करो आप लोग भी साथ साथ, मैं भी कर रही हूँ. यहाँ पे मैंने अरेंज किया डेटा को, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है. अभी यहाँ पे मैंने तो इसका मीन मुझे फाइंड करना है. मीन कैसे फाइंड करते हैं, 5 + 8 + 11 + 12 + 14 डिवाइड बाय एन. एन क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5. तो मीन आ मीन मीन एक्स बार, मीन फाइंड आउट करो, बताओ क्या आया. कर रहे है कोई साथ साथ? हाँ मैं कर रही हूँ 50/5. हम्म, 55/5. तो मीन कितना आ गया मेरा, 10. तो मेरा एक्स बार का वैल्यू आ गया 10. ठीक है, ये हो गया मेरा स्टेप टू कंप्लीट. मैंने मीन, 55 ना तभी 10 आएगा. हाँ 55/5, सॉरी 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 इलेवन सॉरी इलेवन सॉरी सॉरी, नहीं, कुछ गड़बड़ किया मैंने. 50 होगा. नहीं, गलत किया मैंने. ये हो जाएगा 5 + 8 + 11 + 12 + 14 डिवाइड बाय 5, तो 50 हुआ. ये 50 आ रहा है ना ऊपर, हाँ 50/5. हाँ तो ये 10 हो गया. तो मेरा एक्स बार आ गया 10. तो मेरा स्टेप टू कंप्लीट हो गया, मैंने मीन कैलकुलेट कर लिया 10. तो अभी स्टेप थ्री बोलता है कि फॉर्मूला लगा दो. स्टेप थ्री बोल रहा है कि फॉर्मूला लगा दो. फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन, उसका पॉजिटिव वैल्यू ही लेने का है. ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं डेविएशन, डी डी से डेविएशन आया, सेम फॉर्मूला है डिवाइड बाय एन. तो फॉर्मूला लगाते हैं अभी, चलो 5 8 11 12 14. मीन क्या था, 10. 10 था ना मीन, एक्स चिंता 10. तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे दूसरे कॉलम में एक्स एक्स माइनस एक्स बार करना है. तो 5 - 10 8 - 10 11 - 10 12 - 10 14 - 10, कितना कितना आया वैल्यू बोलते जाओ. 5 - 10 - 5 8 - 10 - 2 11 - 10 1 12 - 10 2 14 - 10 4. ठीक है, ये तो हो गया एक्स माइनस एक्स बार. अभी पर मेरे को क्या लेना है, इसका मॉड्यूलस, मतलब जिसमें मैं साइन इग्नोर कर देती हूँ. तो डी मॉड्यूलस क्या हो जाएगा ये, इसको डी भी बोलते हैं. तो इसका साइन हटा दिया 5 का, तो 5, इसका भी साइन हटा दिया 2, तो 1 2 4. ठीक है, अभी फॉर्मूला क्या बोलता है कि समेशन ऑफ डी डैश मॉड्यूलस डिवाइड बाय एन. बताओ इसका समेशन कितना आएगा इस वाले का, विच इज 5 + 2 + 1 + 2 + 4 डिवाइड बाय एन, कितना आया, 8 7 8 10 14. 14 डिवाइड बाय एन क्या है, 5. कितना आया आंसर, कर रहा है कोई कि मैं बता दूं, किसी को डाउट है कुछ भी यहाँ तक कि मीन डेविएशन क्या होता है और उसका फॉर्मूला. ये हम लोग कर रहे हैं अनग्रुप डेटा के लिए. 2.8. यस 2.8. ठीक है, ये आंसर हो गया. तो मेरा मीन डेविएशन क्या होगा इस केस में, 2.8. किसी को कोई डाउट है यार
इकरा ने ज्वाइन किया ना शायद. इकरा समझ आ रहा है? हाँ अच्छे से समझ में आ रहा है। कूल. अहमद कोई डाउट है? नहीं अभी तक तो नहीं. चलो आगे चलते हैं. ये तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, अभी दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं. ये दिया है, अभी इसको सॉल्व करो और बताओ. इसमें अभी क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा फॉर्मूला का चेंज आएगा. इसका टेबल बना लेते हैं पहले, अगर किसी को याद हो जिसने सेंट्रल टेंडेंसी का कराया है क्लासेस असाइन. तो जब हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है, तब हमारा मीन कैसे कैलकुलेट होता है, उसका फॉर्मूला अलग होता है मीन का थोड़ा. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा. देखो मीन डेविएशन, जब हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा ना ऐसे, तब हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा. जो सिग्मा डी अपॉन एन था, उसमें एफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर समेशन लेना पड़ेगा, फिर डिवाइड बाय एन होगा. ठीक है, तो डी इंटू एफ जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, इंटू एफ उसका समेशन डिवाइड बाय एन, ये होगा फॉर्मूला. ठीक है, ये ध्यान रखना, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो इंटू एफ करना पड़ेगा. अभी स्टेप वाइज लेते हैं. स्टेप वन क्या है, डेटा को अरेंज करो. मैंने अरेंज कर दिया डेटा को, चलो 10 असेंडिंग ऑर्डर में दे रही हूँ, 12 13, नेक्स्ट हो जाएगा. अभी मेरे को स्टेप, मेरा अरेंजमेंट हो गया. स्टेप टू क्या है, मीन कैलकुलेट करो. मीन का फॉर्मूला क्या होता था जब हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है, याद है किसी को? 3 12 18 12, याद है किसी को फ्रीक्वेंसी मीन का फॉर्मूला क्या होता था जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता था? सिग्मा एक्स अपॉन एन. नहीं, फ्रीक्वेंसी दे रखा है ना, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स एफ, ये रहता था ना मीन का फॉर्मूला. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसका समेशन लो, डिवाइड बाय इसका समेशन, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज दी हुई है ना अभी. तो एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन विल बी इक्वल टू सिग्मा एफ एफ, ये हो जाएगा ना एन का. ये सारे जितना भी फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स हैं उनको टोटल करना पड़ेगा एन के लिए, यही होता था ना. एन क्या होता है, टोटल स्कोर्स. तो यहाँ पे 10 3 बार आ रहा है, 11 12 बार आ रहा है, 12 18 बार आ रहा है, 13 12 बार आ रहा है. ये फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रही है वो चीज. तो 3 डेटा पॉइंट्स होंगे, 10 मतलब 10 ऐसे होगा, 10 10 10, फिर 11 12 बार होगा, 11 फिर 12 बार 8 होगा, फिर 13 बार 12 होगा, ऐसा होगा ना. तो ये डेटा पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, मतलब ये सब फ्रीक्वेंसीज को हमको टोटल करना पड़ेगा, तो ही मेरा एन आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स आएंगे. तो एन क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होता है, एन इज दिस, एन इक्वल्स टू समेशन सिग्मा एफ. तो यहाँ से मेरा एन आ जाएगा, और मीन का फॉर्मूला बोलता है कि एफ इंटू एक्स, तो एफ इंटू एक्स कर लेते हैं. ये पूरा ये रेज कर दिया मैंने. एनीवेज कर रहा है कोई साथ साथ यार सॉल्व. अरेंज डेटा, स्टेप टू इज मीन. मीन का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. ठीक है, तो एफ एक्स कर लेते हैं फाइंड. पहले एक्स क्या है, 10 11 12 13. एफ क्या है, 3 12 18 12. एफ इंटू एक्स क्या होगा, 3 इंटू 10 विच इज 30, 11 इंटू 12 18 12 इंटू 18 और 13 इंटू 12. कर रहा है कोई सॉल्व, बताएगा कोई वैल्यूज, 11 इंटू 12 कितना हुआ? हेलो कोई है? 32. ओके 132. 12 इंटू 18, टू वन सिक्स आएगा. 13 इंटू 17,
13 × 12, सॉरी ये 2 है, 12 156, ठीक है। अभी समेशन ऑफ एफ एक्स, स्टेप 3 फॉर्मूला में समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ एक्स कहाँ से आएगा, यहाँ से ऐड करना पड़ेगा किस किस को, 30 132 +216 +156 अपॉन समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 12 + 18 + 12, कितना हुआ ये बताओ, न्यूमरेटर में क्या आएगा, 30 + 132 + 216 + 156, तो ये हो जाएगा 534 अपॉन 45 अपॉन 45, राइट। तो आंसर आएगा 11.9 अप्रॉक्स, हाँ 11.8666 ऐसा आएगा, तो उसको अप्रोक्सीमेट करके हम लोग 11.87 ले लेते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो ये आ गया मेरा मीन, किसी को कोई डाउट है मीन कैसे कैलकुलेट हुआ है, हम लोग ने पढ़ा था ये सेंट्रल टेंडेंसीज में, ठीक है। मीन आ गया मेरा 11.87, तो ये हो गया स्टेप टू कंप्लीट। स्टेप टू बोलता था मीन फाइंड कर लो, कर लिया जी हमने, चलो आगे बढ़ते हैं स्टेप थ्री पे जाते हैं। ये था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अभी स्टेप थ्री क्या बोलता है कि फॉर्मूला में डालो, अभी फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ डी डेविएशन इनटू अपॉन, बोलो बताओ बताओ एन, यही था ना मीन डेविएशन का फॉर्मूला, ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला। अच्छा तो अभी मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी डैश फाइंड करना पड़ेगा, ओके तो मेरे को अभी डी डैश फाइंड करना पड़ेगा ना, स्क्रीन में प्रॉब्लम कर रहा है ना, डी डैश क्या होगा, डी डैश क्या होगा, डी डैश कह रही हूँ सॉरी, डी मॉड्यूलस वो क्या था, एक्स माइनस हर एक डेटा पॉइंट को जो कि एक्स है उसको माइनस कर दो मीन, उससे माइनस कर दो मीन, ठीक है। मीन कितना आया था 11.87, यही था ना 11.87 था मीन, 11.9 ले लिया था हमने, हाँ ठीक है 11.87 थोड़ा उसमें करते हैं डेसिमल प्लेसेस में, तो ये हो जाएगा 11.9 लेना है तो वो भी ले सकते हैं, बट आई थिंक 2 decimal places तक लेते हैं सब, अब जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो प्रेफर करना कि 2 decimal places तो लेके चलो, ओके। तो ये हो जाएगा 10 - 11.87, इसका सिर्फ साइन लेने का है हमको, ठीक है। तो इसको माइनस करो क्या आएगा, 1.87, वैसे ही 11 - 11.87, दिस माइनस मीन हो रहा है, ठीक है ये आ जाएगा 0.87। अभी बताओ आगे कोई कर रहा है क्या साथ में, 12 - 11.87 कितना होगा, 0.87 0.13 ओह ओके, हाँ अभी 13, तो 13 - 11.87 कितना हुआ, बोलो बोलो 1.13, हाँ 1.13, ये तो आ गया डी। अभी आगे क्या बोलता है फॉर्मूला में कि मेरे को तो चाहिए एफ इंटू डी का समीशन, तो ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये वैल्यू से, ठीक है। तो एफ इंटू डी क्या हो जाएगा, कुछ समझ क्लियर है स्क्रीन पे, कचड़ पचड़ तो नहीं हो रहा ना, नहीं क्लियर है। एफ एफ क्या है, ये वाली वैल्यू एफ, ये वाली वैल्यू, मेरा पेन भी चेंज हो गया कलर, ये एफ ये वाली वैल्यू इनटू डी ये वाली वैल्यू,
इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको इससे, फिर उसका समेशन लेना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 3 × 1.87 कितना आएगा? 3 × 3.87. हाँ, 0.3 × 1.87. F into D करना है ना, तो F ये वाली आएगा 4.71. नहीं यार, 4 से तो ऊपर ही होगा, मतलब 5 से तो ऊपर होगा, क्योंकि 3 × 1.87 है ना. 1.5 से तो ऊपर ही होगा, 5 से तो ऊपर होगा. रुको एक मिनट, मुझे करने दे. 3 × 1.87 है ना. आया, ठीक है. फिर 12 × 0.87 कितना आएगा? 10 × 4.4 आएगा. फिर F into D वापस 18 × 0.13 कितना हो जाएगा? 2.34. फिर वापस F into D 12 × 1.13 ये हो जाएगा 12 × 1.13 ये आ जाएगा 13.56. ठीक है, सही है ना? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? ये तो फॉर्मूला ही है, ऐसे ही पुट करना पड़ेगा. तो F into D आ गया मेरे पास, बाकी सब अब की अभी हमें जरूरत नहीं है, डिलीट कर देते हैं हम लोग. ठीक है, ठीक है, मुझे डिलीट नहीं हो रहा, मेरे से वो डिलीट हो गया. मैं लिख देती हूँ वैल्यू वापस. 5.61 आएगा, 10.44, 2.34 एंड 13.56 ये आ जाएगा F into D. ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है? समेशन ऑफ FD करना है फॉर्मूले में. समेशन ऑफ FD, तो इस सारे वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा मेरे को अपॉन एन. एन क्या था? 45. करके बताओ समेशन ऑफ एफ इनटू डी का अपॉन एन. इसका समेशन करना है ये वाले कॉलम का, तो ये होगा समेशन आई थिंक 31.05 आया है. एक और मैं स्लाइड ले लेती हूँ. 31.95 mean deviation is equal to sigma f into d upon n. तो ये आ जाएगा sigma f d का कॉलम वाले का समेशन, विच इज 5.61 प्लस 10.44 प्लस 2.34 प्लस 13.56. ये हो गया समेशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाय एन, जो कि 45 था. इसका समेशन क्या आ रहा है? किसी ने निकाला? मैं करती हूँ कैलकुलेटर को, कैलकुलेटर पे. कोई है? किसने किया या मैं करूँ कैलकुलेटर पे? या 30 कर रही हूँ, एक मिनट. यही आ रहा है सबका आंसर? 0.71 आएगा आंसर. यही मेरा आंसर. कूल, तो मीन डेविएशन आ गया. ये किसमें फाइंड किया हमने? अनग्रुप डेटा में, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है.
ठीक है, स्टेप वन अरेंज करो डेटा को, तुम्हारा चॉइस है अब असेंडिंग में करो या डिसेंडिंग में करो, क्योंकि फॉर्मूला को उससे कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है, समेशन भी है। स्टेप टू में मीन कैलकुलेट करो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये फॉर्मूला होता है मीन का, स्टेप ये वाला, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसीज दी होंगी वो डेविएशन वाले को इनटू एफ कर दो, अपॉन एन कर दो बस, ठीक है। क्लियर है इतना? ठीक बस इतना ही करेंगे हम लोग आज। ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला सेम रहता है, बट इसमें मीन निकालने का तरीका अलग होता है। अगर किसी ने पढ़ा हो सेंडर टेंडेंसी क्लास किया था, तो जब हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते हैं तो उसमें मीन कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है। तो फॉर्मूला तो यही रहेगा जब हमको मीन डेविएशन ग्रुप डेटा में फाइंड करना पड़ेगा, मीन डेविएशन बोलो या एवरेज डेविएशन बोलो, तो फॉर्मूला यही रहेगा। बट मीन जो स्टेप टू है हमारा मीन कैलकुलेट करने का, वो जो क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं वो मेथड अलग होता है। तो रिवाइज करके आना मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग ग्रुप डेटा में, ठीक है। फिर हम लोग ये पढ़ेंगे आगे, एवरेज डेविएशन इन ग्रुप डेटा, ठीक है। ओके okay.